दोस्तों आज मैं आपको हमारे मोदी जी का एक बिल्कुल अलग चेहरा दिखाने वाली हूँ, एक ऐसा चेहरा जो आपने नहीं देखा होगा। आप जानते हैं हमारे मोदी जी आजकल बहुत दुखी हैं, मतलब उनका दिल बैठा जा रहा है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे मोदी जी इस बात को लेकर दुखी है, पिछले 100 दिनों में उनका कितना मजाक उड़ाया गया, कितना मखौल उड़ाया गया, लोगों ने उनके मजे लिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शब्द मेरे नहीं है, नो नो नो, ऐसे शब्द मैं मोदी जी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है मुझ पर। ऐसे शब्द तो मोदी जी अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी ने गुजरात में आज एक रैली को संबोधित किया और कहा कि पिछले 100 दिनों में, जब से वो तीसरी बार PM बने हैं, उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, भांति भांति उन पर उनका मजाक उड़ाया गया, उनका मखौल उड़ाया गया, उनके मजे लिए गए। सुनिए जरा। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों को, देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्राण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दे दो, उनको भी तो मौज आएगी यार, ले लो ले लो। दोस्तों पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो मोदी जी के मजे ले रहे हैं, किसकी इतनी जरूरत इस देश में, और उससे भी अव्वल बात, मोदी जी के कोई मजे ले रहा है, मोदी जी का मखौल उड़ा रहा है, मोदी जी का मजाक उड़ा रहा है, और मोदी जी को ये बात पता है। और जाहिर सी बात है, मोदी जी को ये बात बुरी लग रही है। मोदी जी का चेहरा आप देख सकते हैं, किसी को अच्छा लगेगा उसका मखौल उड़े, उसके लोग मजे लें, उसका मजाक बनाए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और हमारे मोदी जी तो इसके आदि भी नहीं है ना, हमारे मोदी जी का मजाल कोई मजाक उड़ा दे, कोई मखौल उड़ा दे। लेकिन अब क्या करें, गठबंधन की राजनीति में चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। अब गठबंधन की राजनीति में दूसरे उनका क्या मजाक उड़ाएंगे, विपक्षी उनका क्या मजाक उड़ाएंगे, गठबंधन की राजनीति में तो अपने ही मजाक उड़ा देते हैं, अपने ही मखौल उड़ा देते हैं, आपके अपने फैसलों को पलटवा देते हैं। हाँ ये बात सही है दोस्तों कि चुनाव से पहले मोदी जी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर खुद अपना मजाक बनवा लिया कि अब तमाम विपक्षी दल बात बात पर उनसे यही पूछते रहते हैं कि अब आप अपने आप को बायोलॉजिकल मानते हैं कि नहीं मानते। खैर ये मजाक मजाक की बातें साइड कीजिए, आज मोदी जी अपने कम से कम 100 दिन के एजेंडे पर बात तो कर रहे थे, तो ये बात मुझे
अच्छी लगी कि चलो कम से कम मुद्दों पर बात हो ही रही है। मोदी जी ये कहते हैं दोस्तों कि वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई मजाक उड़ाए, कोई उनके मजे ले, कोई उनका माहौल उड़ाए, वो तो अपने काम में लगातार लगे हुए हैं। तो अब जब 100 दिन के एजेंडे पर बात हो ही रही है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी को एहसास भी है, प्रधानमंत्री जी आपको एहसास भी है कि इन 100 दिनों में देश ने क्या कुछ झेला है। जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर जम्मू के इलाके में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, क्या आपको इस बात का एहसास है? मोदी जी, क्या आपको इस बात का एहसास है कि मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है? मणिपुर आपका इंतजार कर रहा है, वहां की पूर्व राज्यपाल भी कह रही हैं अब तो कि मोदी जी आ जाइए, मणिपुर के लोग आपकी राह देख रहे हैं, क्या आपको इस बात का एहसास है? क्या 100 दिन के एजेंडे में कहीं पर भी मणिपुर आता है आपके? मोदी जी, अब आप 100 दिन के एजेंडे पर बात कर ही रहे हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके इन्हीं 100 दिनों में, जी हाँ इन्हीं 100 दिनों में नीट भर्ती में धांधली की बात सामने आ गई, क्या आपको इस बात की सीरियसनेस का अंदाजा है कि देश के कितने सारे युवा हैं जो पेपर लीक और इस भर्ती में हो रही धांधली से प्रभावित हैं? मैं तो कहती हूँ मोदी जी छोड़िए बाकी चीजें, क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपके तीसरी बार पीएम बनने के बाद देश में रेल हादसे होना एक मजाक हो गया है? लगभग हर दिन कोई घटना होती है और आपके फेवरेट मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन पर आपने इतना भरोसा किया, दूसरी बार उनको रेल मंत्री बनाया, उन्होंने कह दिया कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है मोदी जी कि पिछले 100 दिनों में इस देश के एक्चुअली में सवाल क्या हैं और इस देश को उन सवालों का जवाब नहीं मिला है? दोस्तों, मोदी जी के इस 100 दिन के कार्यकाल पर आज कांग्रेस ने एक विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों, सरकार के मुखिया के तौर पर अपने इन 100 दिनों को मोदी जी सफल मानते हैं, कहते हैं कि उनका माहौल और मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन बिना किसी मजाक के विपक्ष ने सरकार से इन 100 दिनों को लेकर कुछ सवाल पूछे। इस देश ने इससे पहले तो ये कभी देखा ही नहीं था और हमने ऐसे ऐसे वाक्य देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलैप्स के। नरेंद्र मोदी जी ने जिन एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव के जस्ट पहले किया, जबलपुर, राजकोट, दिल्ली, वो एक बारिश नहीं झेल पाए, ताश के पत्तों की तरह वो गिर रहे थे। इस देश का संसद टपक रहा था, नया संसद जो बना है, और बाल्टी में पानी भरा जा रहा था। असलियत यह है कि अटल सेतु 18,000 करोड़ की लागत पे बना, उसमें दरारें आ गईं। असलियत यह भी है कि सुदर्शन सेतु, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया, उसमें दरारें आ गई। और सबसे घटिया हरकत तो तब हुई जब छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी मूर्ति का अनावरण दिसंबर 2023 में किया, वो 8 महीने भी नहीं चल पाई और वो मूर्ति टूटकर गिरी नहीं। इस देश की अस्मिता, इस देश के गौरव, शिवाजी का जो अपमान नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने अपने भ्रष्टाचार से किया, वो ना महाराष्ट्र भूलेगा ना ये देश भूलेगा। ताश की पत्तियों की तरह एक के बाद एक संसाधन टूट रहे थे, कितनी ही सड़कें, कितने ही पुल टूट टूट कर गिर गए। और यह अनेक्षर के साथ हम आपको दे रहे हैं, इसमें सारे हादसे क्रमवार तरीके से, डेट वाइज तरीके से लिखे गए हैं। और तो और, आस्था का प्रतीक श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बना, उसके भी गर्भगृह में पानी टपक रहा था। कौन है ये भ्रष्टाचारी जिनसे आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए? कौन जवाबदेही तय करेगा? चाहे वो नया संसद हो, चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो, चाहे वो सेतु हो, चाहे पुल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे श्री राम का मंदिर हो, ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार टूट टूट के गिर रहा था।